हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम उत्तम नगर के भाई और भाइयों यूट्यूब पे यार ये मेरा बिल्कुल ही नया चैनल है। यूट्यूब पे ये मेरी पहली वीडियो है तो दबा के प्लीज़ से लाइक कर देना, दबा के प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब की छोड़ो, सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आए तो तब कर देना। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी बात भाई कि अगर वीडियो को देख के किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, अगर किसी को बुरा लगता है तो उत्तम नगर का भाई हूँ यही समझकर प्लीज़ माफ़ कर देना यार। अगली वीडियो इससे भी अच्छी होगी, अगर कुछ भी बुरा लगता है तो कमेंट में मुझे बता देना। तो सबसे पहली बात करते हैं कि बड़े बुजुर्ग कह गए कि अगर किसी का दिल जीतना है तो उसका रास्ता होता है पेट से। तो मैं मानता हूँ कि अगर रवि भाई के ये जो दिख रहे हैं रवि के हाथ की अगर किसी ने पूड़ी नहीं खाई तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो उत्तम नगर का निवासी है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या रवि के बारे में ज़रूर जानती होगी। तो आगे स्टार्ट करते चलो। तो जिस तरह रवि की पूड़ियाँ यार पूरे उत्तम नगर में फेमस है ना, उसी तरह ये दूसरा शख्स है जिसके समोसे और ब्रेड फेमस है पूरे उत्तम नगर में। वही बात दोबारा बोलूँगा कि अगर इसके हाथ के समोसे और ब्रेड उत्तम नगर में किसी ने नहीं खाए तो वो शायद उत्तम नगर में नया है। इस रेडी पे तो यार हर कोई खड़ा हुआ है, हर किसी ने ब्रेड समोसे खाए हैं, तो इसको कैसे भूल सकते थे, है ना भाई। आलू गोभी टमाटर धनिया पनीर जो भी लेना होता था मम्मी हमेशा से यही कहती थी कि शनि बाज़ार से वे लेके ही आइए, शनि बाज़ार के अलावा कहीं मत जाइए। उत्तम नगर के सभी लोग यार शनि बाज़ार से ही सब्जी मंडी से ही हमेशा सामान लेते हैं, हमेशा जो भी सब्ज़ी लेनी होती है वो सब्ज़ी मंडी में ही आते हैं। तो यह सब्ज़ी मंडी दिख रहा होगा आपको सब कुछ, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई थी यार, तो अब दिख रहा होगा सब कुछ आपको कैसे कैसे सब्ज़ी मंडी अपना उत्तम नगर कैसा है। तो भाइयों यार खाने की बात तो बहुत हो गई, अब आपको उस जगह लेके चलता हूँ जब 12-14 साल तक मैं खुद क्रिकेट खेलता था, गिल्ली डंडा खेलता था। मैं जानता हूँ आप सब भी ये देख के बहुत खुश हो रहेंगे कि यार मैं भी तो यहीं खेलता था। तो भाई मैं भी बोल रहा हूँ ना यार, उत्तम नगर का मैं भी भाई हूँ यार, हमेशा से यहीं खेलता था। सामने दिख रहा होगा ये बारात घर है, यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ होती है। तो भाई मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी उत्तम नगर का ही भाई हूँ आप सभी का तरह। प्लीज़ यार वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करें। तो भाई हमने बैट बॉल भी बहुत खेले, गिल्ली डंडा भी बहुत खेली। अब मैं आपको लेके आया हूँ ब्लैक रोड पे। ब्लैक रोड मतलब बोले तो कि उत्तम नगर का ऑफिशियल लर्निंग रोड है। मतलब कि यार यहाँ पे उत्तम नगर के सभी बच्चे सभी बड़े सब ने यहीं बाइक चलाना सीखा है, सब ने यहीं गाड़ी चलाना सीखा है। मैंने खुद इसी रोड पर सीखा यार, मतलब ये रोड हमेशा ही खाली रहता है, तो सबसे कंफर्टेबल जगह यही रहती है कि तुम खुले रोड पे गाड़ी चलाना सीख लो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी ज़रूर यहाँ पे गाड़ी ज़रूर चलाई होगी। लोग यहाँ पे कुत्ते की तरह भी साइकिल चलाते हैं, कुत्ते की तरह बाइक भी चलाते हैं। मैं जानता हूँ आप सब ने भी यहीं गाड़ी सीखी होगी, मैंने भी यहीं सीखी है यार। बात हो उत्तम नगर की और बी ब्लॉक की गलियों का जिक्र ना हो तो हुजूर मुझे तो थप्पड़ पड़ेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार उत्तम नगर में रवि की बात कर ली तुमने, प्रेम की बात कर ली तुमने, लेकिन दिल्ली दरबार को कैसे भूल गए। तो यार प्लीज़ यार माफ़ करना यार, मैं दिल्ली दरबार की गली में भी गया, दिल्ली दरबार के सामने मैं फुटेज बना भी रहा था, लेकिन जिस वक्त मैं गया मैं लेट हो चुका था, दिल्ली दरबार बंद हो चुका था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले पाया। तो बी ब्लॉक का ही थोड़ी बहुत गली दिखा दी यार। बी ब्लॉक में हमेशा से जब भी कभी ईद होती थी हम सभी पैसे जोड़ के दिल्ली दरबार की बिरयानी ज़रूर खाने जाते थे यार। वहाँ की बिरयानी तो यार वर्ल्ड की फेमस है यार, आपको क्या पता। नहीं यार आपको भी पता यार, आप भी लोग उत्तम नगर के ही हो। अब आपने सब कुछ देख लिया, अब मैं आपको लेके आया हूँ प्रोफेशनल सैलून के यहाँ पे, जहाँ से मैं खुद बाल कटवाता हूँ। तो अंदर चलते हैं, पहले दिखा देता हूँ अंदर से भी आपको। यहाँ पे ये इन्हीं चेयरों पे बैठते हैं, आप भी बैठते होंगे यार मेरे को पता है। तो ये अयाज भाई है जो बाल काट रहे थे, उनसे मैंने थोड़ी बहुत बात करी और मैं बाहर आ गया। और आप सब भी ज़रूर आना यार भाई के पास। तो भाई वीडियो देख के आपको जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, अच्छा लगा बुरा लगा सब कुछ बता देना, लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना है, शेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई थी,
कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना। इसी के साथ विदा लेता हूँ, आप सब अपना ध्यान रखें, बाय। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव समथिंग टू से अबाउट माई दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट मी, अगली बार अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा।